फैन है ने, फैन थोड़ा ऊपर ना। गुड मॉर्निंग, ओके, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग क्रेश रीना गोजी आदित्य, ओके, वेरी फास्ट एवरीवन इज मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, द कॉमेंट्स आर गोइंग फास्ट, वेरी फास्ट, आई गेस एवरीवन इज जॉइनिंग टू फास्ट, सब एक साथ ज्वाइन किया सबने आई गेस। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम अगेन, टुडे वी आर गोना हैव अवर एक्सप्लेनेशन, दिस वीक वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन अ वन पर्टिकुलर लेसन, सबने समरी लिख ली है, डिड यू गाइस रोट दिस समरी, गुड मॉर्निंग, यस Still many people are joining in. Keep on joining. Ashish, have a good day, ma'am. Okay. Have a good day to you too. So, summary likhi sabne. Did you guys wrote the summary? Yes. Okay, let's see. अगर समरी लिखी होगी तो आई गेस मैनी ऑफ यू माइट हैव अंडरस्टूड द लेसन वेरी वेल। तो आज हम थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, आज अटेंडेंस भी देख लेंगे कौन कौन आ रहा है, कौन कौन, यस मैम समरी लिख दी, ओके शाबाश, यस मैम, ओके आज हम एमसीक्यू सॉल्यूशन करेंगे और आज जितने लोग प्रेजेंट हैं उन सबको आंसर करना है, ओके आई एम गोइंग डाउन, ओके Everybody have to answer because that is how we will know that everybody is saying present here, okay? Harshada present ma'am, okay. Keep saying present, keep on joining. Music khatam hi hone wala hai, it's been like after 2 minutes, it's already been 2 minutes and I think the music is getting over. After that, we'll start with our discussion. Lesson... ठीक है, ओके आज हम एमसीक्यू करने वाले हैं ग्रामर का, नो नॉट ग्रामर, वी आर डूइंग एमसीक्यू फॉर द लेसन, क्योंकि अब लेसन के एमसीक्यू भी तो आने ही वाले हैं ना एग्जामिनेशन में, द लेसन एमसीक्यू विल आल्सो कम इन योर एग्जाम ना, 50% तो उसका भी वेटेज है ही, सो जैसे हम ग्रामर सॉल्यूशन करते हैं हम इसके भी सॉल्यूशंस करने वाले हैं, एंड दिस यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक, ये लिखना है नोटबुक में, ठीक है, ओके मैम, सो चलो अभी आंसर हम शुरू करते हैं, द नेम ऑफ द लेसन द सम ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, सो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, लेट्स सी हाउ वेल यू पीपल हैव अंडरस्टूड, इसमें सारे जब एमसीक्यूज आते हैं तो इसमें सारे मिक्स होते हैं, ईजी एवरेज एंड हार्ड, ठीक है, तीन होते हैं किसी भी क्वेश्चन या क्वेश्चन पेपर का, थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, दैट इज वन इज ईजी, वन इज एवरेज एंड वन इज हार्ड, ये तीन लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ईजी इज फॉर द स्टूडेंट्स हु कैन ग्रामर में लिखना है, नहीं इसको तुम अपने ही नोटबुक में ही लिख लो, जहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स और लेसन समरी वगैरह लिख रहे हो उधर ही लिख दो, ठीक है, इसे ग्रामर बुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे लिख सकते हो, अगर तुम्हें ग्रामर बुक में लिखना है तो ग्रामर बुक में लिखो अलग से, ओके आंसर डायरेक्ट आ गया, ओ हो आंसर क्वेश्चन भी नहीं रीड किया मैंने, आंसर आ गया, मीन्स यू आर सो रेडी विद द आंसर्स, ओके आई गेस यू कैन सी द स्क्रीन क्लियरली, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अच्छे से स्क्रीन दिख रही है, वेट अ मिनट, हाँ कैमरा होल्ड करने अच्छी हुई है, डी 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 डी, okay after the horse was stolen and returned it became stronger dash stronger weak and angry stronger calm and happy stronger and angry this one was very easy yes clear okay
डी डी एवरीबॉडी इज विद डी. ओके क्वेश्चन क्वेश्चन रीड भी करेगी नहीं आएंगी. ओके एवरीवन इज विद डी. मेक श्योर यू राइट योर आंसर. हो सिर्फ गुड मॉर्निंग बोलने वालों को मैं कंसिडर नहीं करने वाली हूँ. ओके राजेश्वरी. ओके गुड मॉर्निंग. आई कंसिडर द पीपल विथ आंसर्स. चलेगा 30 तो 30 मैसेज. मैसेज लोड होने दो. डजेंट मैटर. सो शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. दिस वन इज वॉज वेरी इजी. ये अपने ग्रामर बुक में जरूर लिखना या ग्रामर बुक या तो इंग्लिश बुक किसी भी बुक में लिखना. बट दिस शुड बी रिटन कि तुम्हारे पढ़ने के लिए ईजी रहे. वॉट नेम डिड मुराद गिव टू द हॉर्स. अब मुराद ने हॉर्स को क्या नाम दिया. वॉट नेम डिड मुराद गिव टू द हॉर्स. कम ऑन टेल मी. ओके ज्योति शंकर सेज माई हार्ट. हियर आर द ऑप्शंस. माई लव माई हार्ट माई वर्ल्ड नन. ओके एवरीबडी इज माई हार्ट माई हार्ट माई हार्ट माई हार्ट माई हार्ट. ओके 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 माई हार्ट. ओके सी राइट बी. हाँ ये इम्पॉर्टेंट है. बी इज इम्पॉर्टेंट. डोंट फर्गेट द बी बिकॉज एट द एंड तुम लोग को एमसीक्यू में उसी को सर्कल करना है. बी बी माई हार्ट. ओके करेक्ट. यू पीपल आर करेक्ट. मुराद ने जो नाम बोला था वो यही था माई हार्ट. एंड दिस वन ऑल्सो यू ऑल वर करेक्ट. अब ज्योति शंकर तुम आंसर नहीं करोगे. कैन यू हियर मी. अब तुम आंसर नहीं करोगे. लेट अदर्स आंसर. ओके बिकॉज आई नो यू विल आंसर. फिर सब देख कर सेम आंसर्स वो कर देंगे. ठीक है ओके आर यू इन. ओके ठीक है. ओके मैम ठीक है. आई नो यू विल नो द आंसर. आई नो विच स्टूडेंट्स नो द आंसर. दैट्स व्हाई. ओके हाउ लॉन्ग वॉज द हॉर्स स्टोलन सिंस डैश. How longer was the horse stolen since dash. चलो किसे पता है आंसर. ओके वी गॉट वन आंसर. One month is the answer. What are the options given to you? 1 month, 1 month, 1 month, last month. Okay, okay. B, 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 B. B, B, B. Okay. How long was the horse stolen since? Dash. Last month. Okay, everybody is saying last month. The answer is B, last month. B नहीं भूलना और last month लिखना है पूरा. ठीक है अब तुम्हें लिखने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी. यू विल गेट OMR शीट. अगर तुम्हारे फॉर्मेट अगर क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट वैसा ही रहा तो तुम्हें OMR शीट मिलेगी. उसी में तुम्हें टिक करना होगा. तो ये B जो है उसे मत भूल जाना क्योंकि many a times we know the answer, we know what is the correct answer, still हम गलत में सर्कल कर देते हैं, गलत क्वेश्चन देख लेते हैं. ठीक है हाँ. और अगर एक बार गलत हो गया तो फिर उसका वापस रिवाइज करके वापस आ. इट डजंट चेंज. द नेक्स्ट माई लेफ्ट स्क्रीन फ्रीज थे. माई लेफ्ट लेग पेन्स. हु सेड दीज वर्ड्स लास्ट मंथ. ओके नो प्रॉब्लम. सब लोग अपने आंसर्स लिख रहे हैं तो अगर 40 मैसेजेस भी आएंगे सो आई हैव नो प्रॉब्लम. बट आई विल कंसिडर द पीपल हु आर एटलीस्ट आंसरिंग. ओके रीगल मेहता सेज जॉन बायरो. आर यू श्योर जॉन बायरो. आंसर इज द सेम. बढ़िया आंसर सेम. क्या कहा था मैंने. डी 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 इज मोर इम्पॉर्टेंट. डी
ओके ओके. माई लेफ्ट लेग पेन्स, हु सेड दीज वर्ड्स? डी, जॉन बायरो. ठीक है. अच्छा, कब बोला था जॉन बायरो ने? वेन डिड जॉन बायरो से दैट? एवरी वन इज करेक्ट. जॉन बायरो ने बोला था. कब बोला था जॉन बायरो ने? नाइस. कब बोला था? अविनाश केनी. ओके, गुड मॉर्निंग अविनाश. मैम, अनिकेत विल बी प्रेजेंट. विल बी प्रेजेंट, प्रेजेंट होने वाला है. वेन हिज लेफ्ट लेग इन पेन? हाँ, बट उसका लेफ्ट लेग पेन में था. वेरी स्मार्ट अनुपम. बट कब बोला था? वेन डिड ही से? सिचुएशन मुझे बताओ. अगर उसने बोला भी था, ज्योति शंकर रह नहीं सकते आंसर दिए बगैर. ज्योति शंकर, तुम रह नहीं सकते ना आंसर दिए बगैर. ओके, आरम्स हाउस. आशीष, यू आर करेक्ट. आरम्स हाउस, एट आरम्स हाउस. यस आशीष, यू आर करेक्ट. सागर, यू आर करेक्ट. उत्सव, यू आर ऑल्सो करेक्ट. एट आरम्स हाउस. वेन ही कम्स इन आरम्स हाउस? ओके यस. जब वो आरम के घर पे आता है, और स्पेसिफिकली मैं बताऊँ तो वो कब ये बोलता है? जब उनका आर्ग्यूमेंट हुआ होता है. ठीक है. जब अंकल खुशरो एंड रह लो टीचर. ठीक है ठीक है. जब अंकल खुशरो और जब जॉन बायरो के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है, दैट टाइम ही सेज कि मेरा लेफ्ट लेग है वो पेन हो रहा है. मैंने एक्सप्लेनेशन के टाइम पे भी ये चीज़ बोली थी. ओके, दैट मेरा लेफ्ट लेग पेन हो रहा है. एंड देन व्हेन ही हैड वेंट टू आरम्स हाउस एंड अंकल खुशरो शाउटेड एट हिम एंड ही इज हैविंग लेग्स, दैट ही इज हैविंग लेग्स. यस, अगर तुमने क्वेश्चन टेक्स्ट बुक रीड कर ली होगी अभी तक, तो तुम्हें ये सब कुछ अब तक पता चल गया होगा. ओके, सो मेक श्योर. यस, आरम्स हाउस. यस, जब वो आरम के घर पे गया दैट टाइम. रागिनी, गुड मॉर्निंग रागिनी, बी प्रेजेंट. आज सबके आंसर्स काउंट करेंगे हम, कौन कौन आंसर दे रहा है नहीं दे रहा है. सो मेक श्योर यू ऑल्सो काउंट ऑन योर आंसर. तो जब वो आरम के घर पे जाते हैं तब आर्ग्यूमेंट होता है. एंड एट दैट टाइम दे ही यूज दिस वर्ड कि मेरा लेफ्ट लेग पेन हो रहा है, मैं इतने माइल्स से चल के आया हूँ. ओके, आई हैव वॉक्ड सो लॉन्ग. और फिर अंकल खुशरो उसको भगा देते हैं बोल के, देयर इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. ओके, विच बर्ड वॉज बींग रिपेयर्ड बाय मुराद? नाउ इनमें से कौन सी बर्ड्स जो है वो मुराद रिपेयर कर रहा है? यस मैम, रॉबिन. वृष्टि सेज रॉबिन, 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 रॉबिन. गुड मॉर्निंग. ओके, गुड मॉर्निंग एवरी वन हु इज विशिंग गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. बी रॉबिन, बी रॉबिन, रॉबिन, रॉबिन. ओके, रॉबिन. सबको पता है, सबको याद है आंसर. यस रॉबिन. ठीक है, बी रॉबिन. अब बताओ कब ये रॉबिन बर्ड कब आती है? अब वृष्टि तुम आंसर मत देना. वृष्टि यू डोंट आंसर. और ज्योति शंकर तुम आंसर मत देना. सॉरी फॉर बीइंग लेट. खुशी त्रिपाठी, ओके इट्स ओके. अब हमने जो आगे का किया है वो कैचअप कर लेना खुशी. अब रॉबिन बर्ड जो होती है, अब मुराद कब रॉबिन बर्ड रिपेयर कर रहा होता है? व्हाट वाज द मोमेंट, व्हाट वाज द टाइम, कब कर रहा होता है ये? When did the, when was said regal? When Aram John के बारे में बताने जाता है तब. Okay. Okay. Anyone else? Regal Mehta has given the answer.
एक्चुअली फर्स्ट आंसर जिन जो होते हैं उनके ऊपर रहने दो पाके। ओके मैम, ओके, जो भी लेट है वो कैचअप कर लेना आगे का। चलो अब मुझे जल्दी से बताओ, रॉबिन जो है, रीगल मेहता ने एक आंसर दिया है, व्हाट आर योर आंसर कि रॉबिन बर्ड कब रिपेयर कर रहा होता है मुराद, व्हेन इज ही रिपेयरिंग। हाँ प्रो, ओके, व्हेन अरम गोज टू मुराद टू से हिम दैट जॉन बायरो, व्हेन अरम गोज टू मुराद, ओके, व्हेन अरम वेन टू से अबाउट जॉन, व्हेन अरम वेन टू मुराद्स हाउस व्हेन ही वाज रिपेयरिंग बर्ड। ओके करिश्मा, विनोद, रोजिया, ओके, सो नाउ यू ऑल आर करेक्ट, जिसका भी आंसर है करेक्ट है, बिकॉज मुराद के घर पे जब वो जाता है। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट वन आई कैन से, ओके, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, उत्सव सेज विलियम। अब ज्योति शंकर किसको किसको मना किया, मैंने वृष्टि को मना किया है, मैंने ज्योति शंकर को मना किया है, ठीक है, आंसर करने के लिए। विलियम, विलियम सरो, ओके, विलियम, 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 सम आर सेइंग अरम, सम आर सेइंग बी, विलियम, 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 विलियम इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, ओके, अरम इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, सो अरम एंड विलियम के बीच में टक्कर है हमारे। तो अब ज्योति शंकर और वृष्टि तुम दोनों आंसर करो, लेट मी सी योर आंसर एज वेल। विलियम, विलियम, ओके, मेजॉरिटी इज विथ विलियम, ओके ओके, आरम, आरम इज ऑल्सो कमिंग, ठीक है ठीक है, सब आरम के साइड भी आ रहे हैं, आरम टीचर, ओके। वृष्टि आर यू देयर, व्हाट इज योर आंसर। रीगल मेहता भी अक्रो, रीगल मेहता जो भी याद रखी नाम लिखेगी, गोज टू मुराद हाउस दैट टाइम, आरम गोज टू मुराद हाउस से दैट टाइम, ओके, विलियम इज राइटर, आरम नरेटर एंड विलियम राइटर, ओके ओके, यस यू आर करेक्ट। दृष्टि जो आंसर आ गया नान, ओके, यस यू आर करेक्ट। ज्योति शंकर आवियो, नीचे आवियो ने पछी ने लेट थे तो अरम, यस, द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज अरम, अरम इज द नरेटर, अरे पेंसिल टूटी हुई है, ओके, द नरेटर, द स्टोरी का नरेटर अरम है, नरेटर का मतलब होता है द पर्सन हु इज टेलिंग द स्टोरी इज अ कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, ओके मैम, अरम आर नरेटर एंड विलियम इज राइटर, यस, अरम इज ऑफ द स्टोरी, राइटर नरेटर कब बनता है, जब राइटर खुद एक पार्ट है स्टोरी का, ओके, जब वो उसकी अपनी स्टोरी बता रहा है, यहाँ पे नरेटर कौन है हमारा, नरेटर इज अरम, ठीक है, नरेटर अरम इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी एंड विलियम इज द राइटर ऑफ द स्टोरी, ओके, विलियम सरोयान जो हम लिखते हैं नीचे वो राइटर होता है, ठीक है, अरम, ठीक है। अब ये लेट्स सी विच हु आंसर्स दिस वन, विच इज द करेक्ट नेम ऑफ अरम्स फैमिली, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरी स्पेलिंग इज करेक्ट, अरम इज द नरेटर, ओके, घर के लिए, रीगल मेहता घर के लिए, no regal mehta your spelling is wrong, which of the following spelling is correct, abhi bini ne book godi diya hone book mein la di ha ha likhi hai na a b c d bodi likhi hai a ghar gaya liye okay aditya is also wrong a b c d a d d अलग अलग आंसर आ रहे हैं, खैरोग्लैनिन, यस, डी डी ए घरा गी लिए, रीगल मेहता अगेन यू आर रॉन्ग, खैरोग्लैनिन, ओके खैरोग्लैनिन, डी वृष्टि से सी डी एन आ रही है, सी आकाश सी, सुधा ए, बाकी सब डी, आदित्य को पता ही नहीं है, स्क्रीन इज नॉट क्लियर, ओके स्क्रीन इज नॉट क्लियर, वेट आई आई थिंक इट्स क्लियर,
इट्स क्लियर. ओके द स्क्रीन इज क्लियर. यहाँ पे तो क्लीन है. गैरो ग्लैनियन. नो डी 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 डी. ओके सी. खुशी त्रिपाठी से सी. मेजॉरिटी सेज डी. बीच बीच में कुछ लोग स्पेलिंग भी लिख रहे हैं लेकिन कुछ लोग गलत लिख रहे हैं स्पेलिंग. यस मैम. जी जी कृष सिंह जी. जी कहाँ पे लिखा है? ओके डी. ठीक है तो मैं बता देती हूँ. आंसर इज डी. गैरो ग्लैनी. गैरोग्लैनियन. अभी क्लियर है मैम. ठीक है राजेश्वरी. राजेश्री नो. गैरोग्लैनियन. डी जिसने आंसर लिखा है उसका करेक्ट है. गैरो ग्लैनियन. ओके गैरोग्लैनियन. ए वगैरह में भी नहीं है. सी यहाँ पे एच मिसिंग है. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एच मैंने दिया है और यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा एच डाल दिया है. ओके यहाँ पे भी एच डाल दिया है मैंने. सो इट इज रॉन्ग. ठीक है यहाँ पे एन डाल दिया. तो तीनों गलत है. जो डी है वो करेक्ट है. गैरो ग्लैनियन. ठीक है नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. अब थोड़ा हार्ड उस पर हम आए हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. इसमें से कौन सी चीजें हैं जो सही नहीं है. रीड द सेंटेंस प्रॉपरली. स्क्रीन इज क्लियर. इफ इट इज नॉट लेट मी नो. उसे टाइम में प्रेजेंट नहीं था इसलिए मेरा आंसर लेट आ रहा है. ओके ओके उस टाइम प्रेजेंट नहीं था आदित्य. ओके कोई बात नहीं. अभी अभी प्रेजेंट हो. अभी तुम आंसर करो. ओके नो प्रॉब्लम. यस हेलो मैम. माही की वाल. ओके हेलो माही. How are you? I'm good. Nice to see you. Aditya Tiwari. Yes. Regal Mehta says C. Which of the following is not true? इसमें से कौन सी चीज जो लिखी गई है वो स्टोरी में है नहीं, जो सच नहीं है. Regal Mehta says C. Yes, ma'am. C. Aditya says D. डी. रोजिया सेज बी. विनोद सेज सी. फजीला सेज सी. दर्शना सेज सी. ए सॉरी दर्शना पटेल सेज ए. मीत सेज सी 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 सी. मेजॉरिटी गोज विथ सी. मुराद बस्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड. सी. व्हाई एवरीवन सेइंग सी. ओके ज्योति शंकर वृष्टि यू आर स्टिल देयर. यू कैन आंसर. व्हाट इज योर आंसर. सी सी सी. व्हाट इज आंसर मैम. यस आई विल टेल द आंसर. बदी सी लिखे. एवरीबडी इज सी. कुछ तो आंसर है पता नहीं है क्या. वाह पर ये ऑप्शन में नहीं है मैम. बी रॉबिन. सौरभ बी रॉबिन उड़ा जाएगी. डी ए. आदित्य सेज ए. डी डी सी सी ए. अच्छा ज्योति शंकर साहू आर यू देयर. आंसर एडियर बी. अच्छा ज्योति शंकर सेज बी. बी ठीक है. दिस इज वन इज अ हार्ड वन. बट मैं अभी बताऊं तो आदित्य तुम्हारा आंसर करेक्ट है. आई गेस तुमने गेस किया है या पता नहीं शायद तुम्हें सच में पता है आंसर. आदित्य से इस बी. ओके गेस ही किया होगा. मतलब ए बी सी डी कुछ भी लिख दो. कुछ भी आंसर लिख दो करेक्ट है. लेकिन ये तुमको मार्कशीट में नहीं मिलेगा चांस करने के लिए. इन द मार्कशीट यू विल इन द ओ एम आर शीट यू विल नॉट गेट द चांस टू. वृष्टि सलत सेज ए. यस मैम. ए बी सी करने का चांस नहीं मिलेगा. वन आंसर एंड दैट्स इट. क्या पता है उसके बाद तुमने बी बोल दिया था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. द आंसर इज
ए मतलब क्या सच नहीं है, इसमें से क्या सही नहीं है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि इसमें से क्या सही है, दैट वी वर सर्चिंग नो। नाउ हियर वी आर सर्चिंग व्हाट इज नॉट ट्रू, कौन सी चीज है जो गलत है। ये भी काफी पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। ओके कंफ्यूज्ड, ओके पॉसिबल, आई कुड सी इट, स्मेल इट एंड हियर इट एंड बिलीव इट। तो ये बिलीव इट इज द की। एक्चुअली द आंसर इज आई कुड सी इट, स्मेल इट, हियर इट एंड कुडंट बिलीव इट। वो देख रहा था, वो सुन रहा था, ही कुड स्मेल इट, बट उसे बिलीव ही नहीं हुआ उस बात पे। ठीक है, ही कुडंट बिलीव इट। और यहाँ लिखा है बिलीव इट, एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक। ये भी करेक्ट है क्योंकि क्रेजी स्ट्रीक के बारे में भी बात की गई है। कौन? खुशरव, अंकल खुशरव। मुराद बस्ट इंटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड, ये भी सही है। सब सी बोल रहे थे बट ये है स्टोरी में। ही बस्ट इंटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड, वो स्पीड में भागा ना। आंसर, ओ आरम सेड इट, ओके यस आरम हैड सेड इट। ओके मुराद बस्ट इंटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड। हाँ तो वो भी जब घोड़े पे बैठा तब वो स्पीड में भागा था। मुराद एंजॉय बींग अलाइव मोर देन एनी थिंग, ओके एंड मोर देन एनी बडी एल्स। ये भी सही है। तो ये जो है वो करेक्ट है क्योंकि ही कुडेंट बिलीव इट। यहाँ तक सही है आधा आंसर, यहाँ से ट्विस्ट हो जाता है। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेड बाय मुराद। इसमें से कौन सी चीजें हैं जो मुराद ने नहीं बोली हैं। अगेन विलियम इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। आई गेस सौरभ इज वॉचिंग द वीडियो लिटिल बिहाइंड, इट्स ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेड बाय मुराद। लीप आउट ऑफ द विंडो, मुराद। अब मुराद का कैरेक्टर है। ओके शुभांगिनी सेज ए, डी 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 डी। अब तक डी आंसर आया। लिप आउट ऑफ द विंडो, आई हैव अ वे विथ हॉर्स, यू गो दिस वे, आई गो दिस वे। दिस वन इज इजी कंपेयर टू द प्रीवियस वन, पहले के उससे इजी है। डी 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 डी, ओके एवरीबॉडी इज विथ डी। डी मैसेजेस गेट लोडेड, डी डी, ओके डी। आरम इज सेड दिस, आरम सेड दिस। अच्छा तुम लोग डी तो लिख रहे हो, नाउ टेल मी हु हैव सेड दिस। देखते हैं किसका पहले आंसर आता है इसमें। किसने बोला है ये, आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हियर। डी, आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हियर। अब ये मुराद ने नहीं बोला बट किसने बोला है। टीवीओ, हु हैज सेड दिस। अरम, रीगल मेहता सेज अरम, ज्योति शंकर साहू सेज जॉन, जॉन बायरो, अरम अरम, ओके अरम, जॉन जॉन बायरो, सॉरी रीगल, ओके जॉन। मैंने अभी बोला था, थोड़ी देर पहले ही आया, मैंने वो चीज बोली थी। अभी जॉन बायरो का एक आया था ना, हु हैव सेड दिस, इडाव्यू। हाँ माई लेफ्ट लेग पेन्स वाला जब आया था तब मैंने बोला था ना दैट हु हैव सेड दिस। तो मैंने बोला था, वो उसने बोला था 10 माइल्स, मतलब कुछ सर्टेन नंबर ऑफ माइल्स जाना है, और फिर आर्ग्यूमेंट हुआ था। ठीक है तो उसके बेस पर आंसर इज कि डी, आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हियर। एंड जॉन तुम लोग सही हो, जॉन बायरो ने कहा था, ये मुराद ने नहीं कहा था। ठीक है, नाउ वी हैव रीच टू द लास्ट पेज ऑफ अवर एमसीक्यू सॉल्यूशन। वॉट वॉज द प्राइज ऑफ द व्हाइट हॉर्स। इसमें से बताओ अब कौन सा सही आंसर है। वॉट वॉज द प्राइज ऑफ द व्हाइट हॉर्स। अब ये तो पता होगा, ये तो इजी है। सी एम सी क्यू इज फॉर गेटिंग कंफ्यूज ओनली। अब जिसको पता नहीं होगा उसको स्ट्राइक हो रहा होगा कि अरे क्या आंसर है। सिक्सटी डी, फिजिक्स क्लास इन 4 मिनट्स। ओके कुछ नहीं, हम ऑब्जेक्टिव ही है, फिनिश कर लेंगे। व्हाट वाज द पीस ऑफ प्राइस ऑफ द व्हाइट हॉर्स। $60। सो एवरीबॉडी इज विथ $60। यस बी,
ये इजी है एंड ये सही है आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट वन, द स्टोरी इज पेंड बाय डैश. द स्टोरी इज पेंड बाय डैश. हु हैज पेंड द स्टोरी? विलियम. विलियम विलियम लिखे लो है. विलियम विलियम विलियम. हाँ तो अब इस पे गलत आंसर दिया ना किसी ने, देन दैट पर्सन डजंट लिसन टू द एक्सप्लेनेशन. $60. ओके लेट आंसर लोड हो रहा है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. आंसर तो दिया ना, दैट्स इट. विलियम. अच्छा ऋतिक राज अभी आयो तुम? कार्तिक पटेल. विलियम. ओके विलियम. सो यू ऑल आर करेक्ट, विलियम इज द आंसर. अब मैं इसे एक्सप्लेन तो करने वाली नहीं हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी इतना समझाया था दैट नरेटर अरम इज द नरेटर करके. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिफिकेशन ऑफ अरम इज नॉट ट्रू. अब ये वापस नॉट ट्रू वाला है. इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट. सो से इसमें से कौन सी चीज है जो सच नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिफिकेशन ऑफ अरम इज नॉट ट्रू? सी 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 एवरीबडी इज विद सी सी सी. ओके दिस आर द. अच्छा मुझे लग रहा है क्लियरली दिख रहा है सबको बिकॉज ऑलरेडी विदाउट रीडिंग यू पीपल आर आंसरिंग. स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड इज डिफरेंट. इट इज नॉट लाइक स्टीलिंग मनी. वी कैन सेल द हॉर्स फॉर मनी. ऑल ऑफ द अबाव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ द अबाव तो आंसर नहीं है. इन तीनों में से आंसर है सी सी सी. एवरीबडी इज विद सी. अच्छा अगर सी गलत है तो सही क्या है? वट इज द राइट वन? अगर सी गलत है तो सही क्या है? वी कैन सेल द हॉर्स फॉर मनी. तो इसकी जगह पे उसने क्या बोला था? सिड. हेलो सिड, गुड मॉर्निंग. ए बी. ए बी सही है. हाँ ए बी सही है लेकिन वो सेंटेंस की बात कर रही हूं मैं. उस सेंटेंस में क्या सेंटेंस सही आएगा? कोई एक तो आंसर करो. ए. ए बी सही है पता है मुझे. ए भी सही है तभी तो सी आंसर है. लेकिन सी की जगह पे क्या सेंटेंस बोला था उस? इफ वी सेल इट फॉर मनी देन इट इज रॉन्ग. ओके रिगल मेहता. यस शी अंडरस्टूड व्हाट आई एम आस्किंग. क्या सही है तो ए और बी. ओके ओके वी हैड टू सेल द हॉर्स फॉर मनी. ओके वी हैड नॉट सेल द हॉर्स फॉर मनी. करेक्ट रिया यू आर ऑल्सो करेक्ट. ही लिख सकते हैं मैम एग्जाम में दोनों नहीं लिख सकते हैं. हाँ मुझे पता है एग्जाम में दोनों नहीं लिख सकते बट हम सही आंसर नहीं ढूंढ रही हूँ. मैं बोल रही हूँ ये सेंटेंस को सही करो. अगर ये सेंटेंस गलत है तो सेंटेंस को सही करो ऐसे बोला मैंने. ठीक है स्टीलिंग द हॉर्स फॉर मनी इज ये भी सही है. उसने ये बोला था तो ये आंसर में नहीं आएगा. इट इज नॉट लाइक स्टीलिंग ये भी सही है तो ये आंसर में नहीं आएगा. ओके विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिफिकेशन ऑफ अरम इज नॉट ट्रू. तो ये दोनों तो ट्रू है. इसने बोला था ये वी कैन सेल द हॉर्स फॉर मनी. ये उसने नहीं बोला था. उसने बोला था दैट कि हमने तो हॉर्स को पैसे के लिए बेचा नहीं है. वी हैव नॉट सेल द हॉर्स फॉर मनी. तो वी आर नॉट रॉन्ग ऐसे बोला था उसने. ठीक है तो वी कैन सेल द हॉर्स फॉर मनी बोला ये गलत है. तो एवरीबडी इज करेक्ट. नाउ लास्ट I guess you can see what is the following. Okay, मैंने आगे sentence गलत लिखा है. Which one of the following is the father of Murad? Okay. Who of the following is Murad's father?
फिजिक्स क्लास चालू हो गई, लिंक आ गया तुम लोग को। हाँ ऑफ द फॉलोइंग इज मुराद्स फादर? जोराब। यस करेक्ट। खुशरव इज नॉट द फादर, जॉन बायरो भी नहीं है। अरक इज द सन ऑफ खुशरव, खुशरव के बेटे का नाम अरक है। और जोराब इज द फादर ऑफ मुराद। ओके जोराब मुराद, इट साउंड सिमिलर। ओके ठीक है। इट इज नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट इज सेड बाय, चलो इसका आंसर दो तब तक मैं लास्ट दिखा रही हूँ, क्योंकि ये तो मुझे पता है तुम्हें सबको आंसर पता ही होगा। मैम ये लिंक आ गया ठीक है, तो लास्ट जो है वो डिस्कस करके फिर तुम चले जाओ। इसका आंसर तो आएगा सबको पता होगा, खुशरव। यस द आंसर टू 14th वन इज खुशरव। मैं थोड़ा रिकॉर्ड कर लेती हूँ ताकि तुम लोग लिख पाओ अपने नोटबुक में। लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अरम एंड मुराद, इसमें से क्या सही नहीं है? वी आर पुअर इज करेक्ट, वी आर गैरेगोलियन, सॉरी गैरोग्लैनियन, वी आर पुअर इज करेक्ट, वी आर गैरोग्लैनियन इज करेक्ट, वी आर असीरियन इज नॉट करेक्ट, वी लव राइडिंग हॉर्स, ये भी करेक्ट है। सी इज द आंसर, वी आर असीरियन। तो इसकी जगह पे क्या आंसर आएगा? वी आर असीरियन की जगह पे क्या आएगा? हुआ दे कम ऑन टेल मी। वी आर असीरियन, हुआ दे आर्मेनियन। ओके आर्मेनियन, दे आर आर्मेनियन। यस करेक्ट, दे आर आर्मेनियन, आर्मेनियन असीरियन। वी आर असीरियन इज द रॉन्ग आंसर, अमेरिकन अमेरिकन। कार्तिक यू आर सो रॉन्ग इन दिस। आर्मेनियन जाते जाते भी कॉमेडी करनी है। दे आर नॉट अमेरिकन, दे आर आर्मेनियन है वो लोग, इसलिए ये आंसर गलत है। असीरियन है ना, जॉन बायरो इज असीरियन। तो अब हमारी जो क्लास है वो यहाँ पे एंड होती है। ये एमसीक्यू तुम्हें अपने बुक में लिखने हैं, या तो ग्रामर में लिखो या तो इंग्लिश में लिखो, जहाँ तुम्हें सही लगे। ओके आर्मेनियन। ओके और अभी कोई भी रह गया हो अपना अटेंडेंस देने के लिए तो अपना अटेंडेंस दे दो। मैं अटेंडेंस में नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं कंसिडर करूँगी जो लोग आंसर दे रहे हैं उनके अटेंडेंस कंसिडर कर लूँगी। ओके एवरीबडी हु इज आंसरिंग योर अटेंडेंस विल बी कंसिडर्ड, सो आई एम नॉट टेकिंग नेम वन बाय वन। सो नाउ यू पीपल कैन लीव द क्लास एंड ज्वाइन योर फिजिक्स क्लास। ठीक है नाउ यू कैन वन बाय वन लीव द क्लास, इट्स ओवर। बाय बाय बाय। ओके प्रेजेंट, हाँ ठीक है, जो लोग ने आंसर दिया है उनका तो मैं प्रेजेंट रखने ही वाली हूँ बिकॉज दे आर प्रेजेंट। आज शाम को आई गेस आई हैव टू प्रैक्टिस अ लिटिल बिट, तो मैं रात को 12 बजे से पहले पढ़ाई के लिए नहीं होगा वो, ऐसी आई हैव टू चेक द सेटिंग एंड एवरीथिंग। यस उत्सव पटेल प्रेजेंट। ओके जिन्होंने आंसर दिया है उनको वापस प्रेजेंट बोलने की भी जरूरत नहीं, बिकॉज आई नो that these people are answering throughout, so they all are present. Okay, thank you, bye bye, see you. अभी जाओ, अभी physics class थी ना, you can leave the class and join the physics class. Bye bye, see you, tata. Bye ma'am, bye bye. Sid is also present. Okay, bye Sid. Good job, bye bye, see you. Have a mini idea. Do not forget to subscribe. Watch all the videos. Present teacher, Niket. Okay. Theek hai. सौरव इज प्रेजेंट। ओके सौरव आई नो यू आर प्रेजेंट, तुम्हारे मैसेजेस आ रहे थे, बीच में आंसर्स भी आ रहे थे,
थोड़ा लेट से आ रहे थे बच्चों के. चलो नाउ द मैसेजेस हैव स्टॉप्ड कमिंग, तो मैं अब काउंटिंग शुरू कर रही हूँ. 10 तक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ओके. मैंने आंसर नहीं दिया, मेरी प्रेजेंट लगेगी. नहीं, तुम एब्सेंट ही रहोगे. चलो बाय, सी यू. आई एम फिनिशिंग द लाइव स्ट्रीमिंग.